हेलो मिस्टर बिल्डर, हेलो। मुझे एक बंगलो चाहिए रेस कोर्स और गोल्फ कोर्स के बीच में। उसमें एक तालाब होना चाहिए जिसमें वाटरप्रूफ मछलियां हों। बिल्कुल बिल्कुल, एक साल के अंदर मिल जाएगा आपको। One eternity later. हेलो मिस्टर बिल्डर, एक साल हो गया, आपने मुझे कमिट किया था, इतने सारे एडवांसेस ले लिए, पर मेरा बंगलो तो अभी आधा भी नहीं बना है। हो जाएगा ना मैडम, ऐसे बंगलोज में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा एडवांस और जमा करवा दीजिए। हे प्रिया, हेलो। मैंने एक बंगलो बनवाया था जो एक साल में बिल्डर को डिलीवर करना था, बट उसका काम तो अभी आधा भी नहीं हुआ है। प्लीज कुछ करना। इसके लिए एक थंब रूल याद रख, हमेशा वो प्रॉपर्टी लेना जो रेरा में रजिस्टर्ड हो। रेरा का मतलब है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये एक्ट गवर्नमेंट इसलिए लाई थी ताकि कस्टमर और बिल्डर के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो वो फेयर हो और किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो। यानी कि बिल्डर ना मनचाहा एडवांस ले सकता है, ना मनचाहा डाउन पेमेंट ले सकता है, और अपने कमिटमेंट से पीछे भी नहीं हट सकता। पर कस्टमर भी ऑनेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि तेरा पैसा और तू दोनों सेफ है। वाव गर्ल, यू आर अ सेवियर। तू नहीं होती तो मेरा बंगला मुझे कभी नहीं मिलता। बाय द वे, ये सब ज्ञान तुझे देता कौन है? फॉलो इन्वेस्टिट्यूट।